और दोस्तों अभी जो देख रहे हो ये है छत्रपति शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ पुणे का छत्रपति शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन। दोस्तों छत्रपति शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन, ये मेट्रो स्टेशन जो है पुणे के दूसरे मेट्रो स्टेशन से काफी अलग है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों से प्रेरित होकर बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के जरिए हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से जो है छत्रपति शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन का कंस्ट्रक्शन किया गया है और अंदर से काफी अट्रैक्टिव ऐसे जो है छत्रपति शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन बनाया गया है। तो चलिए अंदर जाकर भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ और बाहर से किस तरह से बनाया गया है ये भी दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभी जो है मेन मेट्रो स्टेशन के सामने हूँ, ये मेन एंट्रेंस है छत्रपति शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन का। तो दोस्तों यहाँ से एक एंट्री गेट है और उसी के साथ दोस्तों इस तरीके से ये लंबा मेट्रो स्टेशन है पूरा वहां तक, और उस साइड में दोस्तों एक दूसरा जो है एंट्री गेट है तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो पहले बाहर से किस तरह से बना है ये देखिए। तो दोस्तों इस मेट्रो स्टेशन को अगर आप फोर व्हीलर या टू व्हीलर लेकर आते हो तो यहाँ पर जो है पार्किंग की व्यवस्था की हुई है। तो दोस्तों टू व्हीलर के लिए यहाँ पर पार्किंग है और फोर व्हीलर के लिए उस साइड में पार्किंग है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये अभी टू व्हीलर वाली साइड है। इसी तरीके से काफी बड़ा मेट्रो स्टेशन है, बैक साइड में आ चुका और यहाँ पर आपको फोर व्हीलर के लिए पार्किंग देखने को मिलेगी। उसी के साथ टू व्हीलर भी पार्क किए गए हैं यहाँ पर। तो ये है बैक साइड। इस मेट्रो स्टेशन पर आप जो है इस तरीके से क्रिएटिविटी देख सकते हो। तो अलग अलग तरीके के यहाँ पर वॉल्स बनाए गए और वॉल के ऊपर आपको जो है एनिमल्स और भगवान के भी जो है चित्रीकरण देखने को मिलेंगे, जो कि कोरियो काम यहाँ पर किया गया है। तो अभी जो है मैंने आपको ये मेन एंट्री गेट दिखाया मेट्रो स्टेशन का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक जो है दूसरा एंट्री गेट है। तो दोस्तों ये दोनों मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट के बीच में आपको जो है पीएमटी स्टॉप देखने को मिलेगा और काफी अच्छा पीएमटी स्टॉप यहाँ पर बनाया गया है। पूरे पुणे से आपको यहाँ पर आने के लिए पीएमटी देखने को मिलेगी। तो बैठने की व्यवस्था किस तरह से की गई है आप देख सकते हो यहाँ पर। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये मेट्रो स्टेशन ऐसे ग्राउंड फ्लोर पे या जमीन पे क्यों है, क्योंकि ये अदर मेट्रो स्टेशन अगर आप देखोगे तो आपको ऊपर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये मेट्रो स्टेशन जो है अंडरग्राउंड बनाया गया है, तो अंडरग्राउंड से भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से अंदर से आपको नजारा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अभी हम मेट्रो स्टेशन के अंदर जाने वाले, उससे पहले हमें टिकट निकालना पड़ेगा। तो पुणे मेट्रो एक एप्लीकेशन उन्होंने लॉन्च किया है पुणे मेट्रो ने, तो उस एप्लीकेशन के थ्रू आप टिकट घर बैठे निकाल सकते हो। तो प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर जो स्टेशन से आप एंट्री करने वाले वो स्टेशन यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा। तो शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन है शिवाजी नगर, और जो आगे वाला जो स्टॉप है आपका वो सेकंड में आप टू स्टेशन डालना है। तो अभी हम जो है दोस्तों हम शिवाजी नगर से सिविल कोर्ट जाने वाले, क्योंकि अगला स्टेशन है ये। तो उसके बाद कितने पर्सन हो वो सिलेक्ट करना है, जैसे कि अभी हम दो है, तो कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो और 14 रुपये टिकट बता रहा है। तो दोस्तों 14 रुपीज टिकट है 2 पर्सन के लिए, मतलब एक इंसान के लिए 7 रुपीज़ है, क्योंकि आज संडे, संडे को 30% डिस्काउंट रहता है। UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हो और यहाँ पर UPI ID आपको डालनी पड़ती है। तो दोस्तों ये हमारी पेमेंट सक्सेस होने के बाद हमको जो है अपना टिकट भी मिल जाएगा। तो पेमेंट सक्सेस हो चुकी है, तो यहाँ पर आप जो है QR स्कैन में टिकट ले सकते हो। अभी जो है हम मेट्रो स्टेशन के अंदर जाने वाले और एंट्री गेट पे ही आपको जो है तुलसी माता के दर्शन होंगे। तो तुलसी का पौधा यहाँ पर देख सकते हो, उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर भगवान की भी मूर्ति आप देख सकते हो। तो दोस्तों मैं मेट्रो स्टेशन के अंदर आ चुका हूँ, तो किस तरह से ट्रेडिशनल लुक इस मेट्रो स्टेशन को दिया गया है ये दिखाता हूँ मैं आपको हाइलाइट्स के जरिए। तो
दोस्तों मेट्रो स्टेशन के अंदर आने के बाद यहाँ पर जो है टिकट काउंटर पे आप टिकट निकाल सकते हो और यहाँ पर मशीन भी लगा है टिकट निकालने के लिए। तो दोस्तों मशीन के जरिए आप किस तरह से जो टिकट निकाल सकते हो इसका ब्लॉग मैंने पहले ही डाल दिया है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों अभी जो है एक्सेलेटर के जरिए हम नीचे जा रहे हैं, हमने क्योंकि मोबाइल से टिकट निकाला है। तो चलिए फिर हम अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन किस तरह से है ये भी देखेंगे। तो ये वाले टिकट्स हमें वहां पर स्कैन करने हैं, तो चलिए चलते हैं। अभी हमने टिकट स्कैन किया है और अंदर आने के बाद ये देख सकते हो काफी क्लीन और अच्छा मेट्रो स्टेशन यहाँ पर बनाया गया है। और ये कुछ नजारे और अलग अलग किलों के इंफॉर्मेशन इस तरीके से जगह जगह पर लिखी गई है। इसके जरिए भी अंडरग्राउंड आप जा सकते हो, उसी के साथ एक्सेलेटर भी यहाँ पर बनाए गए है। तो दोस्तों अभी हम जो है छत्रपति शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन के अंडरग्राउंड आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको दो लाइंस देखने को मिलेंगे, प्लेटफॉर्म क्रमांक एक और इस तरफ है प्लेटफॉर्म क्रमांक दो। तो दोस्तों अगर आप जो है पीसीएमसी टू जिला न्यायालय और स्वारगेट जाना चाहते हो तो प्लेटफॉर्म क्रमांक एक से आपको जाना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। स्वारगेट का अभी मेट्रो स्टेशन स्टार्ट होने वाला है 27 से, और अगर आप स्वारगेट से सिविल कोर्ट और उसके जरिए पीसीएमसी जाना चाहते हो तो प्लेटफॉर्म क्रमांक टू से आप जा सकते हो। तो दोस्तों मैंने जो है जिला न्यायालय मतलब सिविल कोर्ट का टिकट निकाला है और अभी जो है मेट्रो आ चुकी है, सिविल कोर्ट को हम निकलने वाले अभी। तो ये देख सकते हैं मेट्रो आ चुकी है। इस वीडियो के जरिए हमने डिटेल में छत्रपति शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन जो किस तरह से बनाया गया है, अंदर से किस तरह से है और किस तरह से ट्रैवल कर सकते हो ये सब कुछ दिखाया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।